बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज हम बनाएंगे जो हेल्दी भी है और मज़ेदार भी, और इसको वो लोग भी खाना पसंद करेंगे जो इसे खाते नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुबीना आसिफ और आप देख रहे हैं कुकिंग विद रुबीना आसिफ। आज हम आपके साथ चिकन की कलेजी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। आप चाहें तो इसे मटन कलेजी के साथ भी बना सकते हैं, मगर बूटी का साइज़ फिर आप मटन की कलेजी का छोटा रखिएगा। इसको हम बहुत ही कम सादा मसालों के साथ बनाएंगे। ये एक हेल्दी रेसिपी है। इस तरह की रेसिपीज़ कोशिश क्या करें कि आप 15 दिन में या महीने में एक दफ़ा ज़रूर बनाया करें, ताकि इन रेसिपीज़ का फ़ायदा आपके फैमिली मेम्बर्स को मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने आधा किलो चिकन की कलेजी ली थी। आप चिकन मटन दोनों की ले सकते हैं। दो हमने मीडियम प्याज ली थी, इसे बारीक चॉप किया है, और दो ही हमने टमाटर लिए थे और उनकी हमने प्यूरी बना ली है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन लिया है। अब रेसिपी को शुरू करते हैं। मसाले में आपको डालने के साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल का डाला है। ऑयल आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं। और 2 मीडियम हमने प्याज ली थी, उन्हें चॉप करके बारीक चॉप किया है। अब ये हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। अब इसको प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये हल्की सी गुलाबी हो जाए। इसका डार्क कलर नहीं लाना, बस इसे हल्का सा कलर आएगा तो फिर इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ डालेंगे। आप चाहें तो इसमें पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये देखिए, हल्का सा जब प्याज ने कलर चेंज करा और ये गुलाबी सी प्याज हो गई हमारी, तो इस वक्त हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के, ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने कुटा हुआ अदरक लहसुन लिया है। अब इसको डाल के हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। इतना सिर्फ भूनना है कि इसकी खुशबू आने लगे। जब अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो इसके अंदर हमने चिकन की जो कलेजी ली थी उसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था और उसके पीस बना लिए थे। धोया मैंने टैप वाटर ही से था, और उसको अपने हिसाब से उसके पीस बना लिएगा। ये देखें, बहुत अच्छी तरीके से मैंने कलेजी को धो लिया था। अब इसको हम मसाले में डाल के फ्राई करेंगे। फ्राई सिर्फ हमने इतना करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। कलेजी को हमने इतना फ्राई करा था कि इसका पानी खुशक हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। अब ये देखें, इसका कलर चेंज हो चुका है। जब इसका कलर इस तरीके से हो जाएगा, वाइट अपना कलर जब चेंज कर लेगी कलेजी, तो अब इसके अंदर हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे। आप इसमें स्लाइस करके टमाटर नहीं डालिएगा, टमाटर की प्यूरी ही डालिएगा। 2 बड़े टमाटर लेके इसकी प्यूरी बना लीजिएगा ब्लेंडर में, और फिर वो इस्तेमाल करिएगा तो एक स्मूथ मसाला बनेगा। कलेजी को हमने मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करा था। बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, वरना वाटरी हो जाएगा मसाला हमारा। अब टमाटरों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो गए, तो इसमें हमने 1/2 कप या 4 टेबल स्पून दही का डाला है। दही को फेंट के इस्तेमाल करिएगा। अब दही डालने के बाद अच्छी तरीके से हम दही को भी मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले के साथ दही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। बहुत अच्छी तरीके से मैंने दही को मिक्स करा था। फिर इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची और 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्ची, और थोड़ी सी 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी, और कुछ मैंने इसमें हरे धनिए की डंडियां काट के डाली हैं। हरे धनिए की डंडियों से बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है, इसलिए आप पत्ते आखिर में डालिएगा और हरे धनिए की डंडियाँ इस वक्त इस्तेमाल करिएगा। और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई काली मिर्ची डाली है। दही का इस्तेमाल भी हम इसलिए इसके अंदर करते हैं कि जिन लोगों को एक कलेजी में एक स्मेल फील होती है, वो दही से ख़त्म हो जाती है। 1 टीस्पून कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटा हुआ साबित धनिया डाला है। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और मसाले को हम भूनेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मसाला बहुत खुशक है, तो आप इसमें हल्का सा पानी का छींटा इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप मसाले को अच्छी तरीके से भून लें। पानी डालने से ये होता है कि मसाला हमारा लगता भी नहीं है, और मसालों को पकने का टाइम भी मिलता है। मैंने भी इसमें 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया था। पानी डालने के बाद मैंने इसे मिक्स किया था, ताकि मसाला हर तरफ से हमारा एक जैसा पके। आपको भी ऐसा लगता है कि पानी की ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत हो पानी की, वहाँ आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब इसके अंदर हमने 1 टीस्पून कुटी हुई हरी मिर्ची डाली है। हरी मिर्ची मैंने 2-3 हरी मिर्ची ली थी छोटी वाली, और इनको बारीक चॉप करके वो इस्तेमाल किया है। स्पाइस आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का डाला था। सॉल्ट कलेजी में आखिर में डाला करें, इसकी भी एक वजह होती है, मैं वो वजह भी आपके साथ शेयर करूँगी।
अब इसको ढक के हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाले फ्लेम पे हमने इसे 5 मिनट के लिए रखा था। 5 मिनट के बाद ये देखें ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो चुका था और रेसिपी हमारी तैयार थी। कलेजी को पकने में वैसे भी 15 से 20 मिनट लगते हैं, 15 से 20 मिनट में कलेजी बनके तैयार हो जाती है। इसे ज़्यादा पकाया नहीं जाता, जितना ये पकेगी उतना इसमें सख्ती आती जाती है। आखिर में हम इसके अंदर आधा हमने लेमन का जूस डाला था, लेमन का इसमें जूस ज़रूर डालिएगा, और हाफ टी स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला था। अब ये रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है। ऊपर से हमने हरे धनिए की पत्तियाँ काट के डाली हैं, डंडियाँ हमने शुरू में मसाले में इस्तेमाल कर ली थी और पत्तियाँ हमने गार्निशिंग में इस्तेमाल करी हैं। रेसिपी सर्व करने के लिए मुकम्मल तैयार है। इसके टेक्सचर को देखें, इसके टेक्सचर को इसी तरीके से रखिएगा, इसे वॉटरी नहीं करिएगा, ये इसी तरीके से मज़े की लगती है। आपसे मैंने पूछा था कि हम कलेजी में नमक आखिर में क्यों डालते हैं, तो इसकी क्या वजह है। अक्सर लोग इसकी वजह यही बताते हैं कि ये कलेजी को सख्त कर देता है, मगर ये क्यों सख्त करता है, तो इसकी भी वजह होती है कि अक्सर हम नमक शुरू में डालते हैं, जैसे प्याज में डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं कि प्याज का पानी जल्दी खुशक हो जाता है और वो जल्दी फ्राई होती है। हम चिकन में डालते हैं शुरू में नमक, इसलिए डालते हैं कि चिकन हमारी जल्दी फ्राई हो जाती है। इसी तरीके से जब हम कलेजी में शुरू में नमक डाल देते हैं तो कलेजी हमारी जो है वो सख्ती की तरफ से चली जाती है, इसका जूसीपन ख़त्म हो जाता है, इसीलिए कलेजी में नमक आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जिस तरह मैंने आपको तफसील से बताया या इस तरह आपको पता था, और रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी। बना के ज़रूर अपने रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर करिएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ताकि वो लोग जो इसे नहीं बनाते और ना खाना पसंद करते हैं वो मेरी इस रेसिपी से एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कर सकें। और आखिर में फिर वही बात कहूँगी कि अगर चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।